मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है ब्लॉक पहलगाम जो बटकुट में है। तो अभी मैं फील्ड विजिट नहीं किया है मैंने, क्योंकि अभी मैं आज हम पहलगाम में थी, मीटिंग थी हमारे एजेंट साहब के साथ। तो मैंने तहसीलदार साहब से टाइप करके अभी हम 2 दिन के बाद फील्ड विजिट करेंगे। और जिसका आप बता रहे हैं कि रेजिडेंशियल जो कमर्शियल बना रहे हैं, देखिए सारे नहीं है ऐसे, अब कुछ हो सकते हैं इसमें, वो हम चेक करेंगे कौन कौन वायलेट कर रहा है। जो रेजिडेंशियल परमिशन हमने दिया है उसकी वायलेशन हो रही है, तो वो हम कानूनी कार्रवाई उसमें ज़रूर करेंगे। और जहाँ तक ये है जिसको रेजिडेंशियल बनाना है उसको हम रोक नहीं सकते हैं, वो हमारे पास आए बाकायदा परमिशन ले ले, रजिस्ट्रेशन हाउस बनाना है तो वो बना सके। अगर कमर्शियल भी बनाना है उनको, तो कमर्शियल के लिए हमारी एक और कमेटी है अलग, जिसका हेड चेयरमैन साहब जो है SDM साहब हैं, बाकायदा हमारे पास आ जाए, हम परमिशन में कोई दिक्कत नहीं है, परमिशन बाकायदा उनको परमिशन मिलेंगे, तो फिर वो बनाना चाहेंगे जैसी भी उनको मर्जी है वो बनाएं, लेकिन प्रॉपर परमिशन के मिलेगा। लेकिन ये नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, जो मैंने अभी कुछ मैंने परसों जो उसकी फाइलें कुछ मंगवाई थी रेंडम में, मैंने फाइल दी, परमिशन में जो क्राइटेरिया है वो बाकायदा फॉलो हुआ है। अब और ये आप खाली रूरल डेवलपमेंट को ब्लेम मत कीजिए आप, क्योंकि ये जो रेजिडेंशियल परमिशन है इसमें हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी है, इट्स नॉट ओनली ब्लॉक डेवलपमेंट रूरल डेवलपमेंट, इसमें हमारा जो पंचायत सेक्रेटरी है, इसमें जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का पटवारी है और कंसर्न सरपंच है, ये 3 है कमेटी जो रेजिडेंशियल परमिशन इशू करते हैं। ये खाली रूरल डेवलपमेंट को आप दोष मत दे दीजिए। देखिए अगर कहीं पर वायलेशन हो गई है तो ये सबकी जिम्मेदारी है, और एडमिनिस्ट्रेशन इसमें स्ट्रिक्ट रहे, हमारे DC साहब जो है वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहे कि जो वायलेशन कर रहा है उसकी उसकी कानूनी, जो अभी ये दो आप जो पंचायत से जो आपने पंचायत से नाम ले लिया है, मैं वर्कआउट कर रहा हूँ जहाँ पर ये जिसको परमिशन है उसको तो काफ़ी इजाज़त नहीं दी जाएगी बनाने के लिए, अगर उसने बना उसको डिमोलिश करेंगे हम इंशाल्लाह ज़रूर। और जिसकी परमिशन है बाकायदा रजिस्ट्री की, वो रजिस्ट्री होना चाहिए, अगर कोई कमर्शियल में वो तब्दील कर रहा है तो उसको हम उसकी भी हम कार्रवाई करेंगे एज पर जो लॉ हो गया। कभी रूरल डिपार्टमेंट किया है, मैंने पहले भी बता दिया कि ये खाली रूरल डिपार्टमेंट नहीं है, इसमें हमारा ज्वाइंट है रेवेन्यू एंड रूरल डेवलपमेंट। और देखिए हमारा रूरल डेवलपमेंट हमारा पार्ट है, हम एक पार्ट है उसका, जो परमिशन का जो रजिस्ट्री परमिशन का वो एक पार्ट है हम रूरल डेवलपमेंट। तो हम वही कह रहे हैं कि जो जिस जिसको हमने जो पहले इशू हुआ है परमिशन इशू हुए हैं रेजिडेंसी परमिशन, हम इंश्योर करेंगे कि वो रेजिडेंसी बने। तो रेवेन्यू का देखिए इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप फिर से मैं बताऊँगा, जो रेजिडेंशियल कमेटी है उसमें कंसर्न सरपंच जिस पंचायत में बन रहा है, कंसर्न पटवारी और कंसर्न पंचायत सेक्रेटरी हमारा है, ये 3 की कमेटी है गवर्नमेंट ने बनाई की है। तो इन तीनों का जब तक साइन नहीं होगा तब तक परमिशन उसको इशू नहीं हो सकता है। तो इन 3 लेकिन उसमें भी क्राइटेरिया है कि प्रॉपर एनओसीज मिलेंगी और प्रॉपर एनओसीज के बाद उसका परमिशन हम मैं क्लियर कट बताऊंगा कि जिसने वायलेशन किया उसकी कार्रवाई हो जाएगी कम।